गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिप्रा की छोटी दुनिया। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है गणेश चौथ, तो हम किस तरह से मनाते हैं गणेश चौथ, ये आप देखिए। थोड़ा तिल उस दिन का बचा था खिचड़ी का, और थोड़ा और मंगा के और इसको मैं भून रही हूँ। और थोड़ा कच्चे का भी प्रसाद बनता है, तो थोड़ा कच्चा निकाल के रख दी हूँ। इसको भून के मैं लाल बनाऊंगी इसका। आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, ये मैं दो दो स्वेटर पहनी हुई हूँ। देखिए वीडियो बना रही थी, तब तक मोनी का फोन आ गया, तो उसे एक हाथ से बात की और एक हाथ से मेरा तिल भी तैयार हो गया। मोनी, कुछ बनाना है तुमको तो इसी में बना लो। मामा क्या बनाए समझ ही नहीं आ रहा। क्यों? पता नहीं, पराठा लाओ, हम बना दे रहे हैं। नहीं, हम बना लेंगे। पता तुम अपनी पूजा का बना के साइड का फिर मैं बना लूंगी। ठीक है, चलो। कि मेरा बेटा आज भी तिल और वही कण खाओगी क्या? तुम लोग भी लग रहे हैं। मैं तो खा लूंगी, पापा को नहीं पता। मम्मा पापा के पराठे बना दूंगा। पापा के लिए तो बनाना पड़ेगा, वो तो नहीं उसे खा के। हाँ, मैं बना दूंगी पराठे। चलो देखा जाए। आइसक्रीम में चाय इसमें बना लेना, केटली में, जब मैं पूजा में बैठ जाऊंगी तो। और बाकी मैं उठूंगी तो देखती हूँ। ओके, मैं नोबिता हूँ। ओके बेटा, लव यू। लव यू। देखिए ऑरेंज कलर की साड़ी कैसी लग रही है। और आज मैंने पूजा के लिए यही ला लिया, क्योंकि डार्क कलर अच्छा लगता है और ये कलर पूजा के लिए अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग पूजा की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक चौकी लगा दी है, और ये छोटा भगवान के लिए लाल कपड़ा लगा दिया है। तो हम लोग गोबर से बनाते हैं गौरी और गणेश जी की प्रतिमा। ये देखते हैं, तो मैंने गौरी गणेश बना दिया है। गोबर से हम लोग के बनाया जाता है गौरी गणेश, और उनको साफ कपड़े से ढक दिया जाता है। मौसी लोग को बुला लो। मोहिनी, अच्छा मम्मा, ये लो फोन कर दो मौसी को, आंटी को बुला। ये कन और तिल का भोग लगता है, दो कटोरी में लगाएंगे। देखो मोहिनी, देखो मेरे भगवान जी आ गए। बहुत सुंदर लग रहा है। इसकी कहानी भी सुनाऊंगी मैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानी है। तू जानती है? थोड़ी थोड़ी याद है। सोनी घर भी लग रहा है, तैयारियां हो रही हैं पूजा की। एक चार चौथ मानी
आज चौथा दिन होता है तो इसको चतुर्दशी भी कहते हैं और चार चौथ की राती भी कहते हैं। चार दिया चार बाती चार चौथ की राती। अभी दो दिया और हमको जलाना है। और ये पीले मोहिनी तैयार कर रहे हैं। अच्छा तिल है इसका, इसका ही प्रसाद बनता है ना। इसमें अदरक और गुड़ हमको कुछ लाइएगा तोड़ने के लिए। इसको क्या लाइएगा, चक्कू लाइए ना कुछ साफ। हाँ पूजा, ये कहानी तो दीदी की बहू बाहर रहती हैं तो उन लोग को ऑनलाइन हम लोग कथा सुना रहे थे। तीन को देख ली। चल अभी स्टार्ट करा, कान लगा उसको लगाए फोन तो फोन नहीं उठाया और दस सब सुबह कर रही थी। आदली आदली तुमको मैं नीचे गई हुई थी। एक नंद थी, उसकी शादी थोड़ा गरीब घर में हो गई थी या कोई परिस्थिति ऐसी आ गई कि वो गरीब हो चुकी थी। तो उनके घर उनके बच्चे का छठी बरही पड़ा था भैया भाभी के घर, तो ननद को बुलाया गया था। हाँ क्या हुआ, बड़ा मुश्किल है ना, क्यों आवाज नहीं आ रही है। चार चौथ की रात घड़ी घड़ी कष्ट मारो, आज चौथ की रात चार दिया चार बाती चार चौथ की रात घड़ी घड़ी कष्ट मारो, आज चौथ की रात। जाए हुआ हम फटाफट अपने घरे एक और कथा बाटी पूजा सुना दी जल्दी से और सुना के भगवान के अहोराई होकर कै बज गया, 20:32 साढ़े 8 बज गया और सब 8 बजे ही पान का पत्ता आप ही लेती हैं दीदी। नहीं हम कुछ नहीं, पान पैसे नहीं, लेने नहीं आ रहा। नहीं हम तो उठी गुड़ डाल पान का पत्ता तो रोटी में गुड़ और मान लो बहुत होगा तो तिल डालें गुड़ डाल। अच्छा अच्छा मेन तो हमारे घर खाली गुड़ डाली। हाँ इस कोहरे में हमें तो नहीं लग रहा था दिखाई देगा। नहीं और गवा दे दीजिए शुक्रिया। 9:05 पे हमारे पास जो मैसेज था उसके हिसाब से 9:05 एकदम करेक्ट टाइम पे निकले हैं। सब जान रहे हो सिंदूर वाला सिंदूर यहाँ पे है ये नहीं है, वो रखा हुआ है वहाँ पे बोईसर में। कौन सी पहले हम लोग इसको मन में डालते हैं थोड़ा सा प्रसाद के रूप में और तब दही के साथ या दूध के साथ जिसके साथ अच्छा है वो कन खाते हैं और फिर चाय पीते हैं। तो मोहिनी तुम क्या अपने लिए बनाई हो? मैगी। मतलब मैगी ही बना ली। चलो तुम लोग भी थोड़ा दही और ये खा लेना पर प्रसाद करें और थोड़ा ओलियो को भी मोहिनी पापा दे दीजिएगा प्रसाद, भाई उसका भी हिस्सा हुआ देखिए। मेरे को रात भर जला के रखना है दिया और गणेश जी से चाहते हैं सभी की मनोकामना है तुम लोगों को कोई दुख ना आए और सबका जीवन खुशियों से भर जाए। तो अब मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग बंद कर रही हूँ और एक दो बार मुझे आके देखना पड़ेगा क्योंकि ये दिया मुझे रात भर जलाना है।